पुतिन पर भारी सितंबर युद्ध। क्या 923 दिन से चल रही रूस यूक्रेन जंग में रूस के 6,20,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं? यूक्रेनी सेना के इन दावों पर भले ही रूस ने चुप्पी साध ली हो, लेकिन एक बात तो तय है कि सितंबर महीने में रूस यूक्रेन जंग पिछले 4 महीने की सबसे बड़ी और खूनी जंग साबित होने जा रही है। 6 अगस्त 2024 को अचानक रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के भीषण हमले शुरू हुए। उसके बाद से अब तक लगभग 1 महीने की जंग में कुर्स्क का इलाका लाशों से लबालब भर चुका है। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रूस में घुसकर कुर्स्क पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन डंके की चोट पर कह रहे हैं कि यूक्रेन को कुर्स्क पर हमला करना बेहद भारी पड़ चुका है। और अब रूस पोक्रोस्क और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को रौंदते हुए हर दिन 1 से 2 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करती जा रही है। पुतिन के इन दावों के बावजूद अब यूक्रेनी सेना ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जरा इस एनिमेशन के जरिए देखिए यूक्रेनी सेना पोक्रोस्क कुर्स्क में रूसी सेना पर क्या दावा कर रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सितंबर 2024 का महीना रूसी सेना पर बेहद भारी पड़ रहा है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि पोक्रोस्क और कुर्स्क इलाके रूसी सैनिकों की लाशों से भरते जा रहे हैं। दावा किया गया है कि पोक्रोस्क और कुर्स्क में 7 सितंबर को हुई जंग बेहद खूनी और खौफनाक साबित हुई। इस जंग में यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस के 1,390 से ज्यादा सैनिक सिर्फ 3 सितंबर को मारे गए। 1,390 रूसी सैनिकों का एक दिन में मारे जाना वाकई रूस के खिलाफ बड़ी जीत है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना ने तोप, टैंक, बख्तरबंद और भारी हथियारों से लैस पैदल सेना ने बेहद पास से हमले किए हैं, जिसकी वजह से 3 सितंबर का दिन रूसी सेना के लिए काल साबित हुआ है। पुतिन को हराना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा है कि कुर्स्क पर हमला करना यूक्रेन को बेहद भारी पड़ चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में कुर्स्क जंग पर बड़ा दावा किया है। पुतिन ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन का कुर्स्क आक्रमण पूरी तरह से फेल हो गया है। पुतिन का साफ कहना है कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में रूसी सेना को रोकने की कोशिश की गई थी, जो पूरी तरह से असफल रही है। पुतिन ने खुलासा करते हुए कहा कि यूक्रेनी सेना हमला करके रूसी सेना को भटकाना चाहती थी, रूसी सेना को प्रमुख इलाकों से खदेड़ना चाहती थी, लेकिन डॉनबास में यूक्रेनी सेना को रौंदा जा रहा है। पुतिन ने यहां तक दावा किया कि यूक्रेनी सेना सिर्फ कुर्स्क में ही नहीं बल्कि पोक्रोस्क में भी बुरी तरह से हार रही है। Результаты активных действий подразделений группировки войск Центр освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад вооруженных сил Украины, 2 бригад терробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений вооруженных сил Украины. हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 3 साल से चल रही जंग में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शुरू से ही जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझ के बाहर है कि जिस यूक्रेन के 18% इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है वो जंग जीतने के दावे कैसे कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं इस वक्त यूक्रेनी सेना रूसी सेना की तबाही पर और क्या बड़े दावे कर रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद राष्ट्रपति दफ्तर के दावों के मुताबिक पिछले 4 महीने की जंग रूस पर बेहद भारी पड़ी है। मई से सितंबर तक रूस के न सिर्फ हजारों सैनिक मरे हैं बल्कि रूसी सेना का तोपखाना, बख्तरबंद और भारी हथियारों की भारी तबाही हुई है। जहां अकेले 3 सितंबर के दिन ही 1,390 रूसी सैनिक मरे हैं, तो वहीं अब तक यूक्रेनी दावों के मुताबिक 6,20,350 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं,
यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 3 सितंबर को रूस के 60 टैंक, 27 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 30 तोपखाने प्रणाली, 43 यूएवी, 35 वाहन और ईंधन टैंक तबाह हुए हैं, जबकि 923 दिन की जंग में रूस के अब तक 17,694 तोपखाने सिस्टम और 8,618 टैंकों को यूक्रेनी सेना ने बर्बाद कर दिया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि अकेले जुलाई 2024 में रूस के 1,520 तोपखाने तबाह हुए हैं, जबकि अगस्त में रूस के 1,517 टैंक, तोप और बख्तरबंद बर्बाद किए गए हैं। Не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 2 сотні боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. इधर वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 दिनों में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम आपको रूस और यूक्रेन के टॉप कमांडरों के जरिए दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीत के दावे करने वाला यूक्रेन पिछले 11 दिनों में रूस से बुरी तरह से हार रहा है। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 11 दिनों में यूक्रेन की कम से कम 250 यूनिट तबाह हो चुकी है, जबकि पिछले 11 दिनों में ही यूक्रेन को जमीन और आसमान में भारी नुकसान हुआ है। रूस का यह भी दावा है कि महज एक दिन में 800 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने मार डाला है, जबकि 6 अगस्त से अब तक यूक्रेन के 6,600 सैनिक और 70 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने दावा किया है कि पिछले 11 दिन में रूस ने उस पर 575 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जबकि 26 अगस्त दिन सोमवार को यूक्रेन के टॉप पायलट कर्नल एलेस्की मूनफिश, जिस वक्त रूसी मिसाइलों को तबाह करने के लिए F-16 फाइटर जेट से हमला कर रहे थे, उस वक्त उनका F-16 जंग के मैदान में तबाह हो गया। ज़ेलेंस्की इस नुकसान से सदमे में चले गए और इस घटना के 4 दिन बाद उन्होंने यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेशुक को तुरंत बर्खास्त कर दिया। हैरानी की बात तो ये कि यूक्रेन सेना के कमांडर इन चीफ जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने खुद माना है कि कुर्स्क में हमला करना यूक्रेनी सेना के लिए एक जुआ था। ओलेक्जेंडर सिरिस्की कहीं ना कहीं ये हकीकत मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन फेल हो गया है। हम आपको रूस और यूक्रेन के हमलों से जुड़ी कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर जंग में कौन बाजी मार रहा है। ये वीडियो यूक्रेन के हवाई हमले का है, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन रूसी सेना और हथियारों पर सीधा आत्मघाती हमला कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जोरदार धमाके और भीषण धमाकों के बाद रूसी सैनिक सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक हाथ ऊपर करके यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करने वाले कुछ रूसी सैनिकों को जमीन पर लेटते हुए भी देखा जा सकता है। यूक्रेन के जबरदस्त हमला करने के बाद रूस ने भी यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया है। ये वीडियो यूक्रेन का है, जहां रूस के हमले के बाद भारी तबाही मची है। सुपरमार्केट जलकर राख हो गई है। चौबीस घंटे पहले भी रूसी सेना ने यूक्रेन के पुलतावा इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल से ऐसा भीषण हमला किया है जिसने ज़ेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया गया है कि रूस के इस मिसाइल हमले ने पुलतावा इलाके में 10 इमारतों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जबकि रूस के इस हमले में 55 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद गंभीर है। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन फिर भी रूस पर जीत के दावे कर रहा है, तो वाकई में यूक्रेनी सेना और ज़ेलेंस्की के दावों पर शक पैदा कर रहा है। फिलहाल पुतिन ने हमले बेहद तेज करने का आदेश दे दिया है।